मैं तो मंगनी का सोचे बैठी थी, डायरेक्ट निकाह करेंगे, ये तो मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था। मंगनी हो या निकाह, क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी अबरार ने निकाह के लिए बहुत फोर्स किया था। मैंने कहा चलो ठीक है, अम्मी को कन्विंस किया, वो मान गई। सब कुछ अकेले ही मैनेज कर लिया आपने, मुझे तो भिड़क भी नहीं पड़नी थी। नहीं आफरीन, ऐसा नहीं है। मुझे अगर टाइम मिलता तो मैं तुम्हें जरूर बताता। सब कुछ इतना अफरा तफरी में वहां जाने से पहले हुआ, पहले तुम्हें बताने का टाइम नहीं मिला, बाद में मैंने सोचा तुम्हें सरप्राइज दे दूं। तुम्हें कोई एतराज हो गया? नहीं, मुझे क्या एतराज हो सकता है, एक ही तो बहन है मेरी, उसकी शादी को लेकर क्या क्या सोच रखा था मैंने। चलो कोई बात नहीं, तुम अपने सारे अनुमान रुखसती में निकाल लेना, एंड आई प्रॉमिस सारी रस्में होंगी और बहुत एहतमाम के साथ। अच्छा सुनो, मैं तुम्हें घर जरा जल्दी ड्रॉप कर दूंगा, तुम तब तक मानने को तैयार कर लो। हाँ सही है। इकरार, इकरार उठे, 8 बज रहे हैं। 8 बज गए। इतनी हाँ इंपॉर्टेंट मीटिंग थी यार, लेट कर दिया। सॉरी खाला अम्मी, अलार्म नहीं बजे तो मेरी आंख नहीं खुली, आप नाराज मत होइएगा। मैं तुमसे क्यों नाराज हूंगी बेटा, पागल हो गई हो क्या? है जान, तुम तो मेरी वो बेटी है जिसको मैंने जन्म तो नहीं दिया, लेकिन अपनी बेटी मीशा से ज्यादा प्यार करती हूँ मैं तुम्हें, पता है ना तुम्हें? मेरा बच्चा, चुप चुप, जो जिसे तैयार हो क्या, बहुत अच्छी तरीके से। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, जो पहले तैयार हो क्या। पर ध्यान देने का मौका ही नहीं मिलता था उसे, लेकिन अब मैं आ गई, अब हम मिल बांट कर सारा काम करेंगे।